आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने पहुंचे, जहां उन्हें परिक्रमा करने से रोका गया, जिसके बाद से ही तेज प्रताप यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। हालांकि ऐसा लगता है मानो लालू की गद्दी अब बड़े बेटे यानी तेज ही संभालने वाले हैं, क्योंकि उनका यह रूप देखकर लोगों का मानना है कि इन्हें पूजा नहीं, इन्हें तो राजनीति ही सूट करती है। अब क्या है मामला ये भी जान लेते हैं। दरअसल आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव को मंगलवार को मथुरा की पुलिस ने गोवर्धन की परिक्रमा करने से रोका था। वहीं इस मसले में तेज प्रताप यादव थाने पहुंच गए थे। वहीं उन्होंने जाकर यूपी के सीएम पर आरोप लगाए थे और योगी पर जमकर बरसे तो निशाना भी साधा था। खैर, इसके बाद से अब इस मामले में यूपी पुलिस ने और साथ ही मथुरा पुलिस ने ट्विटर हैंडल से बताया गया कि पूरे मामला क्या था। दरअसल मथुरा पुलिस ने एक ट्विटर पर रिप्लाई देते हुए कहा कि एनजीटी और न्यायालय के आदेश अनुसार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मार्ग पर वाहन ले जाना मना है। ऐसे में पुलिस ने तेज प्रताप यादव के वाहन की परिक्रमा पर ले जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद ही तेज प्रताप यादव खुद एसएचओ गोवर्धन से थाने में परमिशन लेने के लिए आए थे, जिस पर एसएचओ ने उन्हें सम्मान सहित समझाया, जिसके बाद वह अपने वाहन के साथ ही गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना चाहते थे। ऐसे में परमिशन नहीं मिलने पर वो वापस चले गए। हालांकि बता दें कि उन्होंने ये भी कहा था कि जिस पर मंगलवार को तेज प्रताप यादव गोवर्धन पर्वत पहुंचे थे, यहां उन्हें दर्शन करने मथुरा एसएसपी और गोवर्धन थाना इंचार्ज ने रोक दिया था। इस पूरे मसले पर तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि अधिकारियों ने यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इशारों पर तंज कसा है। बाकी आपको क्या लगता है तेज प्रताप के इस तंज भरे नुस्खे को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।